हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमने कॉकटेल का एक सेटअप लगाया है। इससे पहले भी हमारे पास बहुत अच्छा सेटअप था दोस्तों कॉकटेल की। कॉकटेल एक्चुअल में क्या है कि पैरोट की फैमिली से बिलोंग करता है और ये बहुत अच्छे पेयर बनते हैं और जल्दी जल्दी अंडे बच्चे भी करते हैं दोस्तों। और अगर आप कॉकटेल घर में रखते हैं तो एक प्यारा सा साउंड भी होता है। देखिए, जैसे सुन पा रहे हैं आप, पैरोट टाइप का बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता है और ये बहुत आसानी से होने वाला ब्रीड है। और कहना चाहिए कि अगर ये पेयर में है तो आपस में दोनों मस्त बात बात करते रहेंगे और बच्चे भी होते हैं दोस्तों। ये एक्चुअल में साल में करीबन 3 से 4 बार अंडे बच्चे कर देते हैं। अगर आप हैंड फीड कराने के लिए बच्चे को जैसे ही हटा देते हैं तो फिर ये बच्चे कर देते हैं। तो अमूमन आप मान सकते हैं 3 बार या 4 बार। जैसे कि अगर ये बड़े बच्चे को अपने से बड़े करते हैं तो 3 बार कर देंगे, और अगर नहीं आप अगर करवाएंगे हैंड फीड वगैरह तो 4 बार ये निश्चित कर देंगे। अंडे ये कितने देती हैं? अंडे टोटल 5 अंडे देती हैं दोस्तों। ये अधिकतम 5 अंडे देती हैं, जिनमें से 4 हैच होता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि 3 बच्चे सक्सेसफुली ये लोग ग्रो करवा लेते हैं। और अगर इनका ब्रीडिंग फीड आता है अलग से, ब्रीडिंग फीड वगैरह मेंटेन किया है, तो आराम से 4 बच्चे 3 बच्चे 2 बच्चे 100% होते ही रहते हैं इसके। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, और आपको 100% टेक्निक पता है इनका, तो हमने 5-5 बच्चे तक निकाले हैं इनके। बहुत पुराना वीडियो है हमारा, क्योंकि सबसे पहले हमने कॉकटेल का जो सेटअप था उसी के ऊपर बनाया है दोस्तों। एक बार वीडियो में जा कर के ज़रूर देखें। दूसरी बात है, अभी इसका एक सेटअप, हम नया सेटअप तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे ये लोग कभी ब्रीडिंग नहीं करेंगे। एक्चुअल में पैरोट ब्रीड के जितने भी बर्ड्स हैं उनको सबसे पहले 100% आपको मटकी या तो फिर ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह देना पड़ेगा। जब फाइनल करेंगे ये लोग कि हाँ हम लोग सेपरेट हैं बोल करके, तभी ये लोग पेयर लग करके फिर आगे ये लोग ब्रीड करेंगे। और चाहे आप दूसरे पक्षी लोगों को भी ले लें, कबूतर को ले लें और किसी को, घोंसला पहले इनको रेडी करना होता है दोस्तों, उसके बाद देते हैं। या तो फिर कबूतर लोगों का क्या है कि थोड़ा अगल बगल इधर उधर मिट्टी उट्टी में दे करके भी वो लोग कर लेते हैं, लेकिन पैरोट लोगों का ऐसा नहीं है। पैरोट को 100% सेफ ब्रीडिंग ही पसंद है, चाहे वो कोई से भी पैरोट की प्रजाति रहे, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते हैं ये लोग। इनको ब्रीडिंग कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है दोस्तों कि आप इनका ब्रीडिंग बॉक्स आता है, यूट्यूब पर बहुत सारी भरी पड़ी हैं, हमारा भी चैनल है यूट्यूब पर, और कहना चाहिए कि हमारा भी बॉक्स सेटअप का है, आप जा कर के वो देख करके आप बना सकते हैं। या तो फिर वो जो बड़ी वाली जो मटकी होती है छोटी सी, जो आप कॉकटेल लव बर्ड लोगों को देते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा मटकी चाहिए दोस्तों उनका। उसमें ऊपर से ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए, उसके हिसाब से भी ये लोग बहुत अच्छा उसमें ब्रीड करते हैं। अब बात करते हैं इसके नीचे में क्या देते हैं ये लोग। एक्चुअल में नीचे में खाली रहता है तो भी अच्छे से दे देते हैं, लेकिन बैठने का जगह सकरा होना चाहिए जैसे मटकी का है। अगर आप बॉक्स भी बना रहे हैं या बॉक्स मार्केट से परचेस करेंगे या हमें भी बोलेंगे तो आपको ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। नीचे में इनका लकड़ी का बुरादा रहने से ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, लेकिन 2-4 नीम के पत्ती ज़रूर डाल दें, क्योंकि लकड़ी के बुरादा में अक्सर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है, नमी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है और इन्फेक्शन होता है, उससे अंडे और ये लोग ख़राब होते हैं। तो मैं उसके जगह में धान का जो भूसा है वो इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि धान का भूसा बहुत अच्छे से खसकता भी है और अंडे को सेफ भी रखता है। ये हो गया कॉकटेल लोगों का। खान पान के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो कॉकटेल एक इंडियन पैरोट के जैसे भी आप पाल सकते हैं, लेकिन उसमें ब्रीडिंग बहुत लेट होगा और नहीं होगा। जैसे कि आप आज देख रहे हैं हमने मटर दिया है खाने के लिए। हम अलग अलग इसलिए देते हैं दोस्तों कि कब दाना है, कब नहीं है, कब क्या है ना, उस हिसाब से आपको इनकी सारी आदत होनी चाहिए। और बर्ड्स हो चाहे इंसान हो या कोई भी जानवर हो, खान पीन को लेकर के सबका अपना अपना स्वाद और नज़र और नज़रिया है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप खाली कंगनी दाने में, सूरजमुखी वगैरह में रखेंगे तो एक दिन आपको समस्या आएगा, क्योंकि उसमें हमेशा न्यूट्रिशन एक चीज़ में पूरा नहीं मिल पाता है। इसीलिए एक दिन हम मटर भिगा करके देते हैं, कभी चना भिगा करके देते हैं, कभी काबुली चना देते हैं। कंगनी तो रहता ही है, सूरजमुखी वगैरह इनका मुख्य जो आहार है वो तो रहता ही है। उसके साथ में पैरोट प्रजाति के बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं दोस्तों, इस टाइप का जैसे आप जाली के नीचे दाना देख रहे हैं, ये बहुत टाइप का बर्बाद करते हैं दाना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ये जो जाली है, जाली के साथ में नीचे सटा करके कुछ भी प्लेट वगैरह लगा देना होगा, बड़ा प्लेट, ताकि गिराएं फिर एक बार उसको उठा करके ये लोग खा सकें, इससे नुकसान कम होता है। या तो फिर आप जैसे बड़ा सा सेटअप बना रहे हैं तो नीचे फर्श में जब खाना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, सारे चीज़ों को
चुग करके दे देंगे। खाने में इन्फेक्शन कब होता है दोस्तों? खाने में इन्फेक्शन जब सीड़न या गलन आ जाती है या पानी बरसात का मौसम है, उस समय में आपको बहुत ही बारीकी से आपको खाना देना चाहिए। इनको हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम बता रहे हैं, पहले खाने का क्लियर कर लें। मान लीजिए कि हमने मटर भिगा करके दिया है तो उतनी ही मटर भिगा करके देना है दोस्तों, जितना कि वो एक दिन में खा लें। सेकेंड दिन का है तो देखेंगे आप उससे थोड़ा सा स्मेल आ जाता है, आपको उसको हटा देना है। खाने का बर्तन हमेशा साफ़ रखें, पीने का बर्तन हमेशा साफ़ रखें। पानी रोज़ का रोज़ फ्रेश पानी दे दें, हम तो ऑटोमेटिक पानी देते हैं, देख लेते हैं गंदा रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो फिर बदल देते हैं। उस कंडीशन में अब इसकी बात हो गई, अब बात करते हैं कि ये कैसे हेल्दी रहेंगे, कैसे इनको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, मीठा नीम की जो पत्ती आती है वो घर पे लगी होगी आपकी, जैसे कि हमारा गार्डनिंग है तो आप जान रहे हैं कि हमारा और एक चैनल भी है, उसमें हम गार्डन से रिलेटेड वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं, फिश फार्मिंग का भी डालते हैं, उसमें एक चैनल और है दोस्तों, उसको भी जा कर के देखें और बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही जानवर से रिलेटेड वीडियो जानकारी वाली आपको मिलती रहेगी। तो बात कर लेते हैं, मीठा नीम पत्ती थोड़ा सा बांध देना है आपको कहीं पर भी, घर में तुलसी का पत्ता होगा तुलसी का पत्ता को भी बांध देना है। और ये लोग बहुत अच्छा खाते हैं दोस्तों भाजीपाला खाने से इनको डायरेक्ट प्रोटीन और न्यूट्रिशन मिलते रहता है। भुट्टा भी ये लोग बहुत पसंद करते हैं दोस्तों, आपको डायरेक्ट जो कच्चा भुट्टा रहता है उसको ला करके देंगे तो बड़े प्यार से खाते हैं ये लोग, इसीलिए दो चार भुट्टा का पौधा भी लगा दें, क्योंकि मार्केट में एक सीज़न में ही मिलेगा, बार बार तो मिलता है नहीं। और आप लोगों को क्या करना है कि इसको डायरेक्ट भुट्टा देने से, ये लोग भुट्टे का तो दाना तो खाते ही खाते हैं, मक्का को, उसके बाद जो उसकी जो गठान बनती है उस पर ये लोग बहुत ज़्यादा समय पास करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब ये लोग हमेशा मिट्टू की प्रजाति हैं तो हमेशा नोचने का इनका प्रवृत्ति रहता है, जाली रहता है तो जाली को कितना नोचेंगे, चोंच को भी ये लोग रगड़ते रहते हैं ताकि सफाई हो, चबाने का इनका बहुत ज़्यादा आदत रहता है। तो भुट्टे का जो बीच वाला जो रहता है अंश, उसको बहुत प्यार से लोग खेलते रहते हैं और नोच नोच के पूरा टुकड़ा कर देते हैं, तो वो भी एक अच्छा चीज़ है इनके लिए, खेलने के लिए भी काम आ सकता है। कॉकटेल को अगर आप कुछ चीज़ खेलने के लिए दें, जैसे कि आपका जो रक्षाबंधन में जैसे राखी टाइप का कोई चीज़ अगर आप उसको बांध दें तो बड़े मज़े से वो लोग हमेशा उसके साथ में लगे रहते हैं। इस टाइप का कुछ टॉयज़ अगर आप दे दें उनको तो उनका भी समय अच्छे से पार होता रहेगा। खाने पीने की कोई कमी न रखें दोस्तों, क्योंकि जब ये घर का साग भाजी से आराम से पल जाने वाला चीज़ है तो फिर खाने पीने का कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ ये दाल चावल भी खाते हैं, साग सब्ज़ी वगैरह जो कच्चा रहता है वो भी मस्त प्रेम से खाते हैं। अब बात करते हैं इनके फीडिंग, जब ये बच्चे फीड करते हैं दोस्तों तो इसको स्पेशली क्या देना होता है, जैसे इनको भी कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए आपको जो समुद्री झाग वाला आता है मार्केट में मिलता है आप वो दे सकते हैं, या तो फिर आप इनका कैसे कैल्शियम तैयार कर सकते हैं वो भी हम आपको आज बता देते हैं। मार्केट से 1 किलो वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस 20 रुपये का आएगा दोस्तों, उसको ले आइएगा, और उसके साथ में चाय की जो कप आती है छोटी वाली जो स्टेशनों में मिलती है वो वाला आएगा करीबन 5 रुपये का, उसको ले आइए। ऑस्टोवेट आता है दोस्तों और वेमराल, ऑस्टोवेट वेमराल जो होता है वो गाय को खिलाने वाला कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है, वेमराल जो है वो मल्टीविटामिन है, इसी के साथ में और अंडे का छिलका भी थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं। अंडे का छिलका को कैसे यूज़ करना है आपको, मार्केट में या घर का जो आपका जो अंडा जो निकलता है उनके छिलका को आप फेंके नहीं, उनके छिलके को आप थोड़ा सा धूप दिखा दें, धूप दिखाने के बाद हल्का सा क्रश करके उसको किसी शीशी वगैरह से उसको बारीक पीस लें, आराम से पिसा जाता है वो, उसको आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलाना है, इतनी ही थिकनेस में आपको उसको मिला करके उस कप में, जैसे कि आप मान लीजिए कि 10 ठो बनाना है तो 10 ठो में आप अपने मात्रा हिसाब से करीबन 10 ml आपको ऑस्टोवेट लेना है, 5 ml आपको विमराल लेना है, और 200 ग्राम करीबन आपको 200 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 100 ग्राम करीबन अंडे का छिलका लेना है, और उसमें बाकी को प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक कटोरी में मिला करके घोल लेना है, और आपको उस कप में उसको पलटी कर देना है। पलटी करने के बाद क्या करना है, उसमें छोटा सा एक तार लगा दीजिए, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऊपर से बांधना होता है। तो ये हो गया दोस्तों, अब इतने को आपको सूखने देना है, 2 दिन बाद आपको कप को फाड़ देना है। कप को फाड़ने के बाद 2 दिन आप देखेंगे कि वो हार्ड हो गया है, उसको अपनी जाली में कहीं पर लगा लीजिए। जाली में लगाने से क्या होगा कि वो लोग जब उसको नोचेंगे तो कैल्शियम ब्लॉक बन गया वो समुद्री झाग, अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो कैल्शियम ब्लॉक अगर वो लोग खाएंगे तो मिट्टी खाने की आदत रहती है इनको भी, डायरेक्ट वो खाएंगे तो इनके शरीर में बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से ये लोग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो ये तो हुआ कुछ कुछ टिप्स स्पेशली
आप लोगों को बताने के लिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नर्सरी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए, जानवर से रिलेटेड इस टाइप का वीडियो देखने के लिए, कॉकटेल कबूतर वगैरह, बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट ला रहे हैं। उसी के साथ में आज का इतना ही बनाते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं साथ में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।